अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम लोग आए हुए हैं सुब्बी के घर पे। सुब्बी यानी कि मेरी छोटी ननद, उनके घर पे आए हुए हैं। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा नज़ारा है बाहर का, क्योंकि बहुत अच्छी जगह पर रहती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। आज हम लोग दोपहर में घर से निकले थे, दोपहर में गए थे अम्मी के किसी काम से बाहर। उसके बाद हम लोग यहाँ का A1 बेकरी, वहाँ का बर्गर बहुत फेमस है, तो हम लोगों ने वहाँ का बर्गर खाया। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत घूमे, पानी का नज़ारा देखे। उसके बाद मैंने सोची कि चलो सुब्बी के घर पर जाते हैं, बहुत दिन हो गया वहाँ पर घूम के आते हैं। तो मेरा कपड़ा थोड़ा सा भीग गया था बारिश की वजह से, तो थोड़ा बहुत आज तो मैंने यहाँ के कपड़ा चेंज करी। सुब्बी का कपड़ा तो मुझे नहीं आता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कैसे करके एडजस्ट कर ली मैंने। और उसके बाद अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा नाश्ता मंगाई थी, तो हम लोगों ने नाश्ता किया है लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर अभी खाना बनाई है, खाने में हलीम बनाई है बहुत मज़े का। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह। ये देखिए शाहरुख खान के घर के बाहर हमेशा की तरह आज भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो आप समझ सकते हैं ये एक ऐसे इंसान है जिनसे मोहब्बत करने वालों की कोई कमी नहीं होती है, और हमेशा उनको हर कोई मोहब्बत करता है। वो घर पर हो या ना हो, उनके घर के बाहर भीड़ लगी हुई रहती है। मैं भी उसी में हूँ। उसके बाद हम लोग सोचे कि यहाँ पर आए हुए हैं तो फैज़ को बर्गर खाना था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर आकर के थोड़ा सा पानी का नज़ारा देख लिया। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत लग रहा है ये बीच। और अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अभी वक्त ऐसा नहीं चल रहा है कि अंदर जा सकें, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और ऐसे वक्त बेवकूफ़ी होगी अगर हम पानी के किनारे में जाएँ। तो इसके लिए आप लोग अपना ख्याल भी रखें और कभी भी बरसात के मौसम में पानी के नज़दीक में ना जाएं, क्योंकि ज़मीन दलदली रहती है, उसके अंदर में ख़तरा हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, दूर से ही देख रहे हैं। चाय वाले को ढूंढ रही हूँ, जो हम लोग शाम में आते हैं तो चाय वाला यहाँ पे रहता है, और अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि फैज़ की दादी गाड़ी में बैठी हुई, मतलब मम्मी। तो मैंने सोची उनको चाय दे करके आती हूँ, तो चाय ढूँढ रही हूँ। अभी देखे चाय मिल गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एक होटल है बरिस्ता करके, तो वहाँ से मैं कॉफ़ी लेकर के उनको दे दूँगी, कि थोड़ा टाइम पास करने के लिए चाय कॉफ़ी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं जा रही हूँ, ये होटल बताती हूँ आपको, बरिस्ता। ये आप लोग देख सकते हैं ये होटल है, यहाँ पे चाय कॉफ़ी मिलती है, चाय नहीं। मम्मी देखो यहाँ पर फिर से चप्पल उतार लिया, मुझे यहाँ पर नहीं उतारते चप्पल, लेकिन मुझे बिना चप्पल का अच्छा लगता है। और मैं अंदर नहीं जा सकती क्योंकि ये खतरा है, तो खतरा से बचें, लेकिन थोड़ा सा देख करके बर्दाश्त नहीं होता है। जाऊँ थोड़ा सा आगे? जाओ थोड़ा सा मायके जाओ, और गाइस आप देख सकते हो पापा की आदत कितनी ना। पापा नहीं जाने देते पापा मुझे अंदर, मैं क्या करूँ, जाओ करो मेरा बेटा। कर रहे हो? बस बगल ले रहा हूँ बैंक शर्ट का, पानी की लहर का। गाइस आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि क्लाउड मेरे ना हाथ में ही आए। घर पे चलो, चलिए बेटा। मुझे भी ना पानी देख के बहुत डर लगता है, मुझे एकदम पसंद नहीं पानी, मतलब पानी पसंद है, ऐसा पानी नहीं पसंद। तो वही पता लगा कि क्या आए ना हम लोग के अंदर में खींच कर, ये पानी मुझे नहीं पसंद। आपको नहीं खींच पाएगा? अरे भाई मैं भी एक इंसान ही हूँ, बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत मासूम सी इंसान हूँ मैं, रिश्ता ये देखिए आप लोग देख सकते हैं पानी पूरा भरना शुरू हो गया है, कि दोपहर के 4 बज चुका है और 4 बजे से पानी भरना शुरू कर देता है। अब ये देखिए फैज रेडी करे, यहाँ पर फैज और रुजा उन लोग बोल रहे हैं मम्मी मैं कॉफ़ी लेके आ रहा हूँ, उन लोग कॉफ़ी लाने गए हुए हैं। और ये यहाँ पे जो चलता है छपड़ा छपड़ी वो चल रहा है, और ये हाँ ये देखिए क्या ख्याल है, अभी और रहना है क्या? हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सही बोलते हैं, दुनिया अल्लाह ताला ने बनाया है, और दुनिया में एक से एक चीज़ बनाने वाले बंदे भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं, जो कि आप लोग ये देख सकते हैं कि पानी के बीचों बीच में ब्रिज बन रहा है। ये देखिए ब्रिज बन रहा है, यहाँ से वहाँ तक ब्रिज बनने की तैयारी हो रही है, जो एक आम इंसान बनाता है। ये बनाने वाला भी एक आम इंसान है, जिसे हम मजदूर बोलते हैं, जिनके हाथ में ये खूबी है। तो मैं तो यही मानती हूँ भाई कि जो बड़े बड़े बंगले बड़े बड़े गाड़ी से घूमते हैं, उनसे ज़्यादा उनसे वैल्यू दीजिए जो मजदूर है, जो ये सब काम करता है, क्योंकि उसके हाथ में ही अल्लाह ताला ने ये खूबी दिया हुआ है।
चले, अभी पानी बहुत भरने वाला है तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हम पूरी फैमिली यहाँ पर आए हुए हैं, तो अभी मुझे यहाँ पर सेफ नहीं लग रहा, पहले अपनी सेफ्टी ज़रूरी है उसके बाद कोई चीज़। चले फिर हम यहाँ से निकलते हैं, आगे कहाँ जाना है क्या करना है वो दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। तो ये देखिए मुंबई की सबसे बड़ी खूबसूरती बारिश, मतलब ये नदी, जैसे कि ये अभी बरिस्ता होटल है, शाम में यहाँ पे बहुत रौनक रहती है, अभी तो उतना नहीं है, यहाँ पे बस 3 रौनक बैठी हुई है, देख सकते हैं आप। इस होटल का नाम है बरिस्ता। देखिए हम जा रहे हैं सुब्बी के घर में हलीम दिखाते हैं, जो बहुत अच्छा हलीम बनाई है। तो ये देखिए प्याज सभी करके रखी हुई है, अच्छा खाना बनाई है माशाल्लाह। ये देखिए हलीम बनाई हुई है, लेकिन हलीम मुझे बहुत पसंद है तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने खा चुके हैं हलीम इसमें से, और बहुत अच्छा बनाई है, ये सब बना हुआ है। फिर पराठे बनाई है, मैंने मले भी थी कि इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, देखिए पराठे भी बनाई है और सालन बनाए हुए थे मटन। और ये देखिए माशाल्लाह ये सब्जी का घर बहुत अच्छा सेट है, यहाँ पे सीरियल लगा हुआ है। देखिए नींबू नहीं निचोड़े ना नीम का मज़ा नहीं आता है। प्याज ये कांदे वाला प्याज बड़ा वाला कांदा उनको बहुत पसंद है। अभी बताइए टेस्ट कैसा लग रहा है? थोड़ा पीला पीला है लेकिन बहुत मज़े का टेस्ट है इसका। ये बाहर से बनाया क्या? नहीं नहीं घर में सुब्बी बनाई है। हाँ कैसा है? सुबह से घी का बखार ज़्यादा पड़ गया है। हाँ बस घी ज़्यादा पड़ गया थोड़ा, या फिर ज़्यादा घी डाल दिया उन्होंने मोहब्बत में। देखो बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत इन लोगों को बहुत हंसी आ रही थी पता है क्यों? क्योंकि सुबह मुझे बार बार कुछ ना कुछ खाने को दे रही, आज समझ में आ रहा मैं क्या खाऊँ। आइसक्रीम भी है, इसके लिए हंसी आ रहा था। पहले हलीम फिर मटन चावल, अभी देखिए कलिंगन ख़त्म भी नहीं हुआ है। कौन आइसक्रीम देखिए आ रहा है जरूर है। क्या क्या खाओ, ऐसे भी ननद होती है क्या? चलिए अलहमदिल्ला है, तब पहले ये ख़त्म कर लेते हैं। जी देखिए इन लोगों को आइसक्रीम कितना मिल रहा है। अरिफा ले पापा दिखा रहा हूँ, देखो गाइस मुझे कम वाली दी है, देखो बेटा ही महंगी वाली है, वो सस्ती वाली। बहुत अच्छी है सब, इसको देखो इसको चॉको बार पसंद है। चले फिर अभी खाना पीना सब हो चुका है, बच्चे लोग के लिए आइसक्रीम हो चुका है, हम बड़ों के लिए कॉफ़ी हो चुका है, अभी हम लोग को जाने का वक्त हो चुका है। दिल नहीं कर रहा बच्चे लोग को जाने का क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोग के साथ में बच्चे लोग को मज़ा आता है बहुत ज़्यादा, लेकिन कल बच्चों की स्कूल है कॉलेज है और अपनी अपनी जिम्मेदारी भी है तो उसके लिए निकलना पड़ रहा है। तो चले तो और मेरा जैसे कि सुने होंगे कि मेरा ऑफिस है, ऑफिस ये है कि मैं प्रॉपर्टी का करती हूँ, और जो हमारे नज़दीक है वो हमसे प्रॉपर्टी के लिए कॉल या मैसेज कर सकते हैं, हम हमेशा अवेलेबल है। चले फिर अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। तो फिर मैं ये आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि आप लोग हमें अच्छे से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें आगे बढ़ाइए और हमें देखना है हर हर घर में मेरा राज हो, बस यही मेरा सपना है, हमें हर कोई पसंद करे। मुझे उम्मीद है हमारे सब्सक्राइबर हमें इंशाल्लाह ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। क्या आप लोग नहीं चाहते कि मैं बहुत आगे बढ़ूं हर घर में देखूं? आप लोग मुझे आगे बढ़ाइए, और जो पीछे से बच्चे लोग हंस रहे हैं, जो बच्चे लोग पीछे से हंस रहे हैं कल होकर के वही बोलेंगे मामी माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है अभी भी अच्छा कर रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पता है लेकिन पीछे से आवाज़ आ रही है मेरी भांजी मेरा हौसला बढ़ा रही है, नहीं मुझे अभी आइसक्रीम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चले फिर